नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ महसपुर गांव में और यहाँ पर जो कांग्रेस का भारत जोड़ो या न्याय यात्रा चल रहा है, आज श्री राहुल गांधी जी गोड्डा में आ रहे हैं और यहाँ के जितने बसंतराय प्रखंड के कार्यकर्ता हैं उनके और सारे लोग जा रहे हैं। हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि आज जो यात्रा चलेगी और इस गोड्डा लोकसभा में क्या माहौल बनेगी जो 2024 में चुनाव होने वाला है। यहाँ पर कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष आलमगीर साहब है, उनसे हम पहले बातचीत कर लेते हैं। सर, आज आप लोग गोड्डा जा रहे हैं, सर वो विदित है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज एक पड़ाव गोड्डा लोकसभा गोड्डा जिला अंतर्गत सुंदर पहाड़ी से क्रॉस कर रही है। हम गोड्डा लोकसभा के बसंतराय प्रखंड जो गोड्डा विधानसभा में आता है, हम लोग हजारों की संख्या में श्रीमान राहुल गांधी से जुड़ने के लिए और आज जो देश के अंदर में और हम लोगों के बीच में एक भाई के बीच में जो नफरत का माहौल है, जस्ट इसी नफरत को मिटाना की बात करते हुए हमारे राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आ रहे हैं, उसी में हम लोग शरीक होने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर हम एक और शख्स हैं जो राजनीतिक से काफी क्लोज रहते हैं, चतुर्भुज साहब, उनसे हम बात करेंगे कि उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत की, मोहब्बत की दुकान खोलो नफरत की दुकान बंद करो, कितना लगता है आपको कि मोहब्बत की दुकान खुली है? देखिए, पूरे प्रदेश में जो शासन है देश की, उस देश के शासन के द्वारा जो हर जगह नफरत फैलाया गया है, जातिवाद का, समाजवाद का, उसको दूर करने के लिए माननीय राहुल गांधी जी ने जो न्याय यात्रा निकाला है, ये सफल होगा और आने वाला समय में न्याय यात्रा का फायदा मिलते हुए राहुल गांधी को पूर्ण बहुमत मिलेगा और इसकी सरकार बनेगी, इसे कोई दूर नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि आज जो गोड्डा में भारत जोड़ो यात्रा, उसमें ये सभी लोग शामिल होने के लिए जा रहे हैं और काफी दूर दूर से लोग वहां पर शामिल होंगे। वो एक शख्स है जो श्री राहुल गांधी जो है, ठंड हो या गर्मी हो, उस तपिश में भी वो रोड पर लोगों से मिल रहे हैं और चल रहे हैं और लोगों की जो समस्या उनको सुनते भी है और जो उन्होंने उद्देश्य दिया है कि मोहब्बत की दुकान हर जगह खुलेगी, उसे खोलने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसमें वो लगभग कामयाब भी हो रहा है। काफी संख्या में उनके साथ में लोग जुड़ते भी हैं।